मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थाटन के साथ साथ साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। आजादी के बाद से अब तक अपने मालिकाना हक को लेकर दर दर की ठोकरें खाते हल्द्वानी के सुल्तान नगरी के निवासी कोलापार क्षेत्र के सुल्तान नगरी के लोग अपने अधिकारों को लेकर बुद्ध पार्क में एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि उनके पास वोट का अधिकार तो है, लेकिन अन्य अधिकारों से वो आज तक वंचित हैं। सालों से जो है हमारे सुल्तान नगरी के लोग जो है लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ इनका वोटों की राजनीतिकरण हो रहा है, इनको वोटों का अधिकार मिलता है, बाकी सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिलता है। हम अगर अपनी पंचायत से इन लोगों का लाभ भी देना चाहते हैं तो इनको हम ये पात्र होने के बावजूद भी हम इनको लाभ नहीं पहुँचा सकते। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमें मालिकाना हक दिया जाए, हमें जो है हमारे क्षेत्र में जो है पंचायतों से जो विकास कार्य होते हैं वो उनका लाभ हमारे क्षेत्र को पहुँचाया जाए। कौवा सुल्तान नगरी राजस्व ग्राम से हटकर है, जिस पर मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लगातार चार दिन से नुक्कड़ सभाएं की, उसके बाद आज हमने तीन दिवसीय धरना बुद्ध पार्क में किया है। अगर हमारी बात को शासन प्रशासन तक नहीं सुनते हैं तो हम देहरादून कूच करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, जिससे हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं, आज चौथी पीढ़ी वहाँ पर बसायत करते हुए हो गई और पांचवी पीढ़ी वहाँ पर लगी पड़ी है। 70 साल से हम लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं, पर आज तक सरकार द्वारा मालिकाना हक नहीं दिया गया। रामनगर के लखनपुर चौक के पास शहीद स्मारक पार्क पर वंदे मातरम संगठन और पहाड़ संघर्ष समिति के बैनर तले युवाओं ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून इनर लाइन परमिट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने वो स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर बने। उत्तराखंड के औद्योगिकरण के नाम पे तमाम जमीनें जो पहले 500-250 वर्ग मीटर थी वो कम से कम 12 एकड़ तक बिकने लग गए। आज पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अखिल भारतीय किसान महासभा का कहना है कि पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत 9% कृषि योग्य भूमि रह गई है, तो ये आने वाले चिंता का विषय है। दूसरी बात है कि बाहर के लोगों ने जो हमारे पहाड़ की जमीनें खरीदी तो उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई है, क्योंकि आज उत्तराखंड के लोग पहाड़ों में नहीं रह रहे, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी संस्कृति अलग है, उनकी दिनचर्या अलग है, तो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों को प्रभावित किया गया। हम सिर्फ भू कानून की मांग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, तो हमें एक विशेष राज्य की पहचान के लिए आर्टिकल 371 चाहिए। अगर पूरे भारत के अंदर 1950 वाला मूल निवास लागू है तो अगर उत्तराखंड के संग सौदे में व्यवहार किया है, उत्तराखंड के अंदर आपने राज्य स्थापना के बाद का मूल निवास लागू किया है तो ये उत्तराखंड के संग अन्याय है। नई टिहरी में प्रशिक्षित बेरोजगार एएनएम विगत 10 से 15 सालों से रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। एएनएम कर्मी महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में भी उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन उनकी मांगों पर आज तक गौर नहीं किया गया। हम लोग 2009 से सामान्य वर्ग की महिलाएं अभी भी दर बदर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि अन्य जो हमारे आरक्षित वर्ग हैं 2016 तक की उनमें सारी लड़कियां परमानेंट हो चुकी हैं। और हमारे साथ ही सरकार ऐसा भेदभाव कर रही है, क्या सामान्य में पैदा होना क्या आज की महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गया है क्या, कि जिस वजह से हमें आज तक भी भटकना पड़ रहा है? कि अगर यही सरकार का रवैया रहा और सरकार हमारी मांगों को अभी भी अनदेखा करती है तो हमें मजबूर होकर 19 तारीख से अपना उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन न मिलने की वजह से अब ग्रेड पे का मुद्दा राजनीतिक होने लगा है। कांग्रेस सेवा दल ने ग्रेड पे के मुद्दे पर अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शव यात्रा निकालते हुए काशीपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह राज्य पुलिस कर्मियों के साथ जो गद्दारी, जो बेईमानी भाजपा सरकार ने की है, इनका ग्रेड पे घटा करके इनको चेताने के लिए, जगाने के लिए मुख्यमंत्री शव यात्रा आयोजित की है, और यह शव यात्रा 3 दिन तक चलेगी। राज्य पुलिस कर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे है वो बहाल कराने की मांग करेगी, और फिर भी नहीं हुआ तो आगे संघर्ष का ऐलान कांग्रेस सेवा दल करेगी। कांग्रेस का विंग है सेवा दल, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री की शव यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने की
कोरोना काल में विशेष योगदान दिया है, डॉक्टर्स पुलिसकर्मी आदि ने ही सारा पीरियड संभाला है, सबको संभाला है, उनको सम्मान देने के बजाय उनके वेतन में कुछ परसेंट कट किया जा रहा है। उस कट के लिए हमारे DGP और सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री से बहुत प्रयास कर चुके हैं कि वो कट ना हो और उनका वेतनमान बढ़े, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके लिए कांग्रेस यहाँ 15 तारीख से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकल रही है ताकि वो जागे। ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने विकासखंड जखोली के न्याय पंचायत कंडाली की 7 ग्राम पंचायतों में महिला मंगल दल को कीर्तन सामग्री और युवक मंगल दल को क्रिकेट किट वितरित की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने युवाओं से ऊर्जावान बनकर गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की है।